पाकिस्तान और बलूचिस्तान में इतनी तगड़ी लड़ाई क्यों है ये हम आपको बताएंगे, और ये भी समझाएंगे कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो क्या होगा। पहले ये समझिए कि ये आज इसकी बात क्यों हो रही है। कनाडा में बलूच एक्टिविस्ट करीमा बलूच की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा में बस गई थी और इसी दौरान आरोप लग रहा है कि आईएसआई ने उनकी हत्या करवा दी। अब समझिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। प्राकृतिक गैस भंडार और खनिजों के मामले में ये बहुत समृद्ध है। हालांकि इसका फायदा बलूचिस्तान को ना मिलकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मिलता है। बलूचिस्तान में आए दिन हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। बलूचिस्तान 60 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी सबसे अहम हिस्सा है। इस इलाके में ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ कई बड़े सड़कों के जाल भी बिछाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बढ़ते संघर्ष में चीन की सीपीईसी परियोजना की भूमिका मानी जा रही है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे संगठन लंबे समय से स्थानीय संसाधनों पर अपने हक की मांग करते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बलूचिस्तान में चीनी निवेश की वजह से अलगाववादियों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का चीनी निवेश की रक्षा करने का संकल्प और इलाके में सेना की मौजूदगी बढ़ाने की वजह से बलूचों का प्रतिरोध मजबूत होता जा रहा है। बीते सालों में सीपीईसी को निशाना बनाते हुए बलूच अलगाववादियों ने कई हमलों को अंजाम दिया। सीपीईसी की घोषणा के वक्त बलूचों से सहमति नहीं ली गई थी, जिससे वो नाराज थे। इसके अलावा बलूच उस आने वाले खतरे को महसूस कर रहे हैं जो सीपीईसी के बाद से बाहरी लोगों के पहुंचने से होगा। ग्वादर में अधिकतर लोगों ने बलूचिस्तान से बाहर से आए कई निवेशकों को अपनी जमीनें बेच दी हैं। बलूचों को डर है कि धीरे धीरे इलाके की जनसंख्या के स्वरूप में भी पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा और बाहरी उन पर हावी हो जाएंगे। ऐसे में अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान कटा तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद भी हो सकता है। अंग्रेजी शासन में बलूचिस्तान में 4 राज्य थे। बंटवारे के बाद 3 राज्यों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया, लेकिन कलात राज्य ने पाकिस्तान में विलय से इनकार किया। कलात ने 11 अगस्त 1947 को खुद को आजाद प्रांत घोषित किया। कलात की बगावत पर जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना वहां भेज दी। पाकिस्तानी सेना ने वहां हमला किया। पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को स्वायत्त बलूच के कलात राज्य पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तभी से यहां विद्रोह की आग जल रही है और रह रहकर पाकिस्तान के खिलाफ ये विद्रोह बड़ा होता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।